हिमाचल प्रदेश वन निगम ने इस साल सालाना कारोबार का लक्ष्य 250 करोड़ का रखा है ताकि निगम को घाटे से बाहर कर लाभ के उपकरण के रूप में स्थापित किया जा सके। इसको लेकर वन निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने प्रदेश भर के मंडल स्तर पर बैठकों का दौर शुरू कर दिया है ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों से फीडबैक लेकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा जा सके। सूरत नेगी ने रामपुर के नोगली में वन निगम और अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक करते हुए इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि निगम टिम्बर व्यवसाय के अलावा माइनिंग व इको टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को रॉयल्टी के रूप में निगम से 25 करोड़ रुपए अदा कर दिए गए हैं, इतनी ही राशि टैक्स के रूप में जमा करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल वन निगम ऐसा उपकरण है जो सरकार को कमा कर देता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल वन निगम के 1800 के स्टाफ और अधिकारियों ने निगम को लाभ में लाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। सूरत नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन से वन निगम ने पुराने कार्य पद्धति में जहाँ सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है, वहीं सुधार भी किए जा रहे हैं। हिमाचल वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने बताया कि कॉरपोरेशन के प्रदेश में करीब 1800 का स्टाफ एवं अधिकारी हैं। अधिकारियों की सकारात्मक योजना से इस निगम को लाभ पहुंच रहा है। निगम ने पिछले घाटों को पूरा करके लाभ कमाने वाले सरकारी उपकरण बनने का लक्ष्य रखा है। इस बार निगम ने 250 के करीब का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि सरकार की रॉयल्टी 25 करोड़ की है, इतना ही GST के रूप में जमा किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य कारोबार टिम्बर का है, लेकिन वे आने वाले समय में इको टूरिज्म के साथ माइनिंग में भी जाएंगे। गवर्नमेंट को जो है 25 करोड़ का रॉयल्टी हमने दिया है और GST का भी लगभग इतना करोड़ हमने जमा किया है, तो निश्चित रूप से हम इस बार फायदे में रहेंगे, प्रॉफिट में जाएंगे। हमारा कोर एक्टिविटी टिम्बर का है और वो रहेगा आने वाले समय में भी, लेकिन इसके साथ साथ देश और प्रदेश में अन्य स्टेट्स में जिस तरह के कॉरपोरेशन के एक्टिविटीज़ है और यदि हमारे प्रदेश में संभावनाएं हैं तो उनको भी, इन संभावनाओं को हम तराश रहे हैं। उसमें इको टूरिज़्म है और उसके साथ साथ हम माइनिंग में जाना चाहते हैं, उसमें हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। गवर्नमेंट की ओर से पूरा कॉरपोरेशन है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की ओर से कॉरपोरेशन है, तो इस सेक्टर को हम आने वाले समय में एक नए कार्य क्षेत्र के रूप में तराश रहे हैं। एच टुडे के लिए रामपुर से विश्वेश्वर नेगी की रिपोर्ट।